मान से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं याद रखना भगवान ने भी क्या किया भगवान का रूल है कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। अर्जुन गलती भी कर रहा है लेकिन उसकी राइट right थिंग भी बता रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता की है। स्वागत है आपका भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और अब हम दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से चर्चा करेंगे अब तक अर्जुन दुखी हो चुके थे परेशान हो चुके थे उनको लग रहा था कि मैं महत पाप करने जा रहा हूं मैं राज सुसुख लोभ के चक्कर में जा रहा हूं और इसीलिए अब तक कृष्ण कुछ नहीं बोले अब तक कृष्ण सुनते रहे सुनते रहे और अर्जुन पूरा पहला अध्याय बोलते रहे दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में पहली बार अब कृष्ण कुछ बोलेंगे इसीलिए इस वीडियो का इस एपिसोड का अलग ही महत्व बन जाता है क्योंकि अब पहली बार कृष्ण ने माइक अपने हाथ में पकड़ा है हालांकि अर्जुन फिर से वापस देने की कोशिश करने वाले हैं। इनके एक दो श्लोक के बाद ऐसा ग्रंथ है जिसका हर एपिसोड हर व्यक्ति को पूरे देश के जरूर देखना चाहिए हरे कृष्णा शुरू करते हैं आज का एपिसोड दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक ये श्लोक क्या है यह है अपमान से सम्मान तक इसका टाइटल होना चाहिए अपमान से सम्मान, सम्मान तक हाँ। क्या टाइटल होना चाहिए कैसे होना चाहिए इसको समझते हैं श्री भगवान श्री भगवान ने कहा मेरे पीछे श्लोक बोलिए बोले श्री भगवान वाच कुदम विष में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुना श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश कहां से आ गया कैसे आ गया ये कलमश यानी कि भगवान के मन में क्या चल रहा था भगवान के मन में इतनी देर चल रहा था कि अर्जुन बकवास कर रहा है <laughs> है ना लेकिन वो सुन सुन रहे थे ध्यान से दैट्स लीडरशिप इमेजिन पहली लाइन ही बोली भगवान ने तुम्हारे मन में ये कलमश कहां से इसका मतलब अंदर से भरे पड़े थे लेकिन जब आदमी अंदर से भड़ा होता है तो वो क्या बोलता है बोल ले तू पहले बोल ले बोल तू बोल बोल मैं बोलूंगा तब बताऊ एक एक बात का जवाब लेकिन भगवान ऐसा कुछ नहीं किया भगवान मुस्कुरा रहे थे खाली है नी भगवान भगवान ही भी कहते हैं बिना बात के मेरे को ड्राइवर बना के रखा हुआ है यहाँ पे है कमाल है मतलब मिनिमम वेजेस की तनख्वाह भी नहीं दे रहे मेरे को उसके बाद रात को घोड़े भी धुलाता हूँ मैं और तब इतना शोर होता था मालूम नियम क्या बनाया आपस में अर्जुन कृष्ण ने कि रथ चल रहा हो युद्ध चल रहा हो इतना शंख नगाड़े इतने तीर इतने उस समय में अगर तुम्हें अर्जुन राइट में जाना हो तो मेरे दाएं कंधे पर लात मार देना क्योंकि आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी बाया जाना हो तो मुझे बाएं कंधे पर लात मार देना अगर रुकना हो तो पीठ के बीच में लात मारना और अगर तेज चलाना हो आगे बढ़ना हो तो दो बार पीठ पे लात मार देना बीच में और अगर बहुत तेज चलाना हो तो तीन बार पीठ पर लात मार देना बहुत ज्यादा तेज चलाऊंगा सोचो ये भगवान की विनम्रता है एक लीडर अपने जूनियर से लाते खा करके उसकी सेवा करता हो वो है श्री कृष्ण इमेजिन करिए कौन सा लीडर बोलता है कि मुझे लाते मारो ये है कृष्ण कृष्ण के कैरेक्टर से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है इसीलिए इसीलिए मैं चाहता हूं कि देश का हर बच्चा भगवत गीता को पढ़े अपने जीवन में उतारे क्योंकि ये प्रोग्राम है गीता इन एक्शन में कैसे उतारे जीवन में कैसे उतारे दैट्स द मेन पार्ट कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश कहां से आ गया यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो इस उच्च लोक की नहीं अपितु की प्राप्ति होती है इससे उच्च लोक यानी कि स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको अपयश यानी कि बदनामी मिलेगी क्या मिलेगी ध्यान से देखो भगवान करना क्या चाह रहे हैं भगवान बता रहे हैं ये करने से अनार्यम अस्वर्गम अकीर्ति तुम्हारे अंदर वैल्यूज खत्म स्वर्ग नहीं मिलेगा इज्जत भी चली जाएगी तुम्हारी लोग क्या कहेंगे ये कैसा क्षत्रिय डर के भाग्य कायर कहीं का यू विद मी क्या बोलते हैं आगे वो मुद्दा क्या है भगवान ना अर्जुन कहां से काम कर रहा है अर्जुन चर्चा कर रहा है नीचे के लेवल से पैसा घर प्रॉपर्टी भगवान बात कर रहे हैं ऊपर के लेवल से मान सम्मान इज्जत क्या मेरी बात समझ आ रही है yes, भगवान ने पैराडाइम चेंज कर दिया बैटल ग्राउंड चेंज कर दिया मानसिकता बदल दी स्टेज ही एलिवेट कर दिया पूरा भगवान ने कहा ये सम्मान बहुत बड़ी चीज है अर्जुन ऐसा ना हो देखो सम्मान ऐसी चीज है जिसका अपमान का डर आदमी को जिंदगी भर रहता है अपमान एक ऐसी चीज का डर जिंदगी भर रहता है बच्चों की परवरिश में भी आपको डर लगता है बच्चे बिगड़ ना जाए लेकिन कब तक लगता है जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद डर लगना बंद हो जाता है नौकरी खो जाने का डर भी आपको रहता है कि नौकरी चली ना जाए लेकिन वो भी तभी तक रहता है जब तक आप रिटायर ना हो जाए रिटायर होने के बाद आपको नौकरी खोने का डर भी नहीं लगता है ये पत्नी मेरे लिए ठीक होगी कि नहीं होगी उसका डर भी आपको शादी होने तक ही लगता है शादी होने के बाद वो डर भी खत्म हो जाता है आप ठीक है कि नहीं है जो भी है यही है हर एक डर की एक आयु होती है हर डर की एक आयु होती है उसी तभी तक डर लगेगा उसके बाद वो डर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अपमान बेइज्जती ये ऐसा डर है जिसकी कोई आयु नहीं है ऐसा नहीं कि आपके बच्चे बड़े हो गए आप रिटायर हो गए धन पैसा कमा लिया और उसके बाद सब सारे डर कथा सब कुछ कंप्लीट कर लिया अब आप बोलो अब मेरी इज्जत चली जाए मुझे कोई डर नहीं <laughs> क्या बोलते हो <है> ऐसा <laughs> नहीं इज्जत एक ऐसी चीज है जिसकी आयु नहीं है कोई जिंदगी के एंड तक सबको इज्जत बना के रखनी है आज इज्जत खोने के डर से आदमी बहुत सारी चीजें सीक्रेटली करता है एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर किसी को पता ना लग जाए इसीलिए जब वो आ, डेटिंग ऐप पे भी जाता है तो गलत फोटो लगाता है गलत नाम लिख जाता है। पूरा नाम नहीं लिखता डेटिंग ऐप पे लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप ये जितने हंस रहे हैं सबने अपना अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है हा? अगर प्री मैरिज प्रेगनेंसी हो जाती है तो कितना डर लगता है छुपाता है व्यक्ति टैक्स इवेजन काला धन आदमी डर के मारे छुपाता है हर चीज को अगर उसको रेड लाइट एरिया से भी निकलना पड़ता तो दो मास्क लगा लेता है करना कुछ नहीं लेकिन उधर से जाने में दिक्कत होती है 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 कि नहीं तो ये या, ये डर हमेशा रहता चणके पंडित के अनुसार बदनामी का डर सबसे बड़ा भय होता है और यह इंसान को पूरी तरह तहस नहस कर देता है और इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे केवल 2019 हजार एक साल में ही खाप पंचायत और ऑनर किलिंग के, के 145 मर्डर्स रिपोर्टेड मर्डर्स हमारे देश में हुए थे क्यों इज्जत के लिए अपने बच्चों की हत्या कर दी क्यों सबसे ज्यादा हरियाणा एंड यूपी इज्जत के लिए क्या मेरी बात समझ आ रही और बहुत सारे केस रिपोर्ट ही नहीं होते बेटी बिगड़ गई रात को मार दिया उसको सोते सोते मार दिया सुबह आठ बजे जाकर के उसका दाह संस्कार कर दिया परिवार के दस लोगों ने एक बार दाह संस्कार हो गया क्या पता चलेगा किस लिए मरी कैसे मरी गांव को पता चल जाता पर रिपोर्ट नहीं होता ये सब ऑनर किलिंग के कितने सारे केसेस एक मूवी आई थी खाप एन एच टेन ऑनर किलिंग तलवार ये सब मूवी ऑनर किलिंग पे आई थी खाप और ऑनर किलिंग का तो नाम ही उनके ऊपर था नंबर ऑफ रियल लाइफ केसेस इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट तो भगवान कहां से शुरू करते हैं वो सोचिए आप भगवान ने पैराडाइम चेंज कर दिया जिस बात पर अर्जुन आर्ग्यू कर रहा है भगवान ने उसका जवाब ही नहीं दिया ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो सेल्स में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख रहे लोग

जहाँ पे हिंदू भी इलाज करा रहा है मुस्लिम भी करा रहा है सबसे ज्यादा सड़कें मेरे राज्य में मैंने ही बनाई जहाँ हिंदू भी गाड़ी चला रहा है मुस्लिम भी बिजली जो गांव तक नहीं पहुंची थी वो मैं ही अपने राज्य में लेके आया पिछली कोई सरकार नहीं ला पाया वो बिजली ये पूछ के नहीं जाती कि हिंदू का घर है मुसलमान का घर है प्रश्न कुछ और था उत्तर कुछ और है ऐसे ही कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन कुछ और पूछ रहे हैं कृष्ण कुछ और अर्जुन कह रहे हैं राज तो लोबे ना कृष्ण कह रहे नहीं नहीं तेरी बदनामी हो जाएगी क्या बैटल ग्राउंड चेंज कर दिया कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है वुड यू विद मी अरे इतनी इंटरेस्टिंग शास्त्र है जितनी बात पढ़ते हो नया मतलब समझ में आता है आपको चलिए yeah. थोड़ा अगला श्लोक भी साथ में रिलेट कर लेते हैं इसके दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक रिलेट करेंगे तो बात और समझ में आती है क्योंकि चर्चा सीक्वेंस में हो रही है कम ऑन चर्चा yeah. सीक्वेंस में हो रही है आइसोलेटेड श्लोक नहीं है एक के बाद एक बात बोली जाती है अगला श्लोक मेरे पीछे बोली है क्लैब्यमासम गापार था उप पद्य शूद्रम हृदय दौर्बल्यम परंतपा। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की हे पुत्र इस हीन। हे प्रथा पुत्र थोड़ा रिश्ता बना रहे हैं प्रथा कौन है कुंती माता तो कुंती माता के पुत्र थोड़ा रिश्ता भी बना रहे हैं कब कौन से नाम से बुलाया जाता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब अर्जुन को मोटिवेट करना हो कृष्ण बोलते महाबाहु महाबाहू हाथा के लाए क्या बोलते हैं महाबाहु महाबाहू जिसकी महान बलशाली भुजाएं हैं जिसका 21 इंच का डोला है अर्जुन तुम तो बड़े सॉलिड आदमी मोटिवेट करना हो तो उस नाम से बुलाएं हम आम जनता में भी होता है आप अलग अलग नाम से लोगों को बुलाते हो उस समय जिस समय जो इमोश कमी ने इमोशन है वो <laughs> लेकिन भगवान ऐसा गाली दे के नहीं बात करे भगवान भी अलग अलग नाम लेते हैं जब थोड़ा नजदीक महसूस कराना हो तो बोलते हैं कौंते कुंती के पुत्र रिश्तेदार है मेरा रिलेटिव है तो उस हिसाब से बात करते हैं तो भगवान अलग अलग नामों से बुलाते हैं तो यहां पे क्या बोल रहे हैं उनको हे hey, पुत्र इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो भगवान और आई जब मैंने पढ़ा ना मेरे को लगा यार भगवान पे क्या बीत रही होगी यार <laughs> इतना देर सुन रहे थे मन में था कि नपुंसक है अर्जुन <laughs> हाँ क्या बोल दिया भगवान ने क्लैब्य मास मार था क्लैब्य मतलब इंपोर्टेंस नपुंसक अर्जुन के प्रति सम्मान कहीं गलती से अपमान की दृष्टि कभी भी ना रहे हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि भगवान इरिटेट थे बहुत पूरा पहला अध्याय निकाल दिया इतना टाइम तूने खराब किया अर्जुन शंख बच चुके हैं तीर चल रहे हैं तेरे को भी लग सकता है मेरे को भी लग सकता है खामखा तंग कर रहा है और भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं करी तब भी सुनते रहे और फिर क्या बोले क्लैप भी हम आसमा गमा पारता नपुंसक ऐसा गुस्से में बोले यानी कि भगवान अपमान से सम्मान तक लेके जा रहे हैं सुनना बात को ध्यान से कॉन्टेक्सट को समझो कि शब्द का प्रयोग कब किया जाता ये है ये इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के ये चौदह भौतिक लोगों में ये सारे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान लोग हैं ये कृष्ण है जब वो कोई बात बोल रहे हैं बड़ी वैल्यू होती है होता है ना कि अभी किसी का रेप हुआ राहुल गांधी ने क्या बोला प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला तो वो ट्वीट करते हैं तो उसका न्यूज बन जाता है ऐसे ही भगवान भी ट्वीट कर रहे हैं तो भगवान सबका न्यूज आज तक बना हुआ है किसी प्रधानमंत्री का न्यूज पांच हजार दो सौ साल तक नहीं बन सकता इस पूरी पृथ्वी पे केवल भगवान कृष्ण का न्यूज है जो पांच हजार दो सौ पचास साल के बाद भी आज इस हॉल में हम चर्चा करने के लिए उनको सम्मान देने के लिए आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत अमेंडमेंट हो चुके हैं गीता ही एक ऐसा शास्त्र है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ आज तक भी अम्मास म गा पार और आगे सुनो क्या कह रहे हैं अच्छा एक जगह जो है ना परंतपा नाम यूज कर रहे हैं परंतपा कौन होता है भाई जो शत्रुओं को तपा तपा के मारता हो कौन होता है जो शत्रुओं को तपा तपा के मारता हो तो भगवान इतना जीनियस है, है कि मैं क्या बोलूं बा वो तो है ही जीनियस पर बस मेरे मन में जो निकल रहा है बोल रहा हूं मैं रुका नहीं जा रहा है कि वो इतने जीनियस है कि क्या कब नाम इस्तेमाल करना है अर्जुन का बोल रहे हैं हो तो तुम परंतपा शत्रुओं को तुम तड़पा तड़पा के मार सकते हो पर काम क्या कर रहे हो शूद्रम हृदय दौरबल्यम इतना दुर्बल हृदय तुम्हारा ऐसा गुस्से में आ गए भगवान है ना मतलब और फिर क्या कह रहे हैं लास्ट में कहते त्यत्वो उत्तृष्ट परंतपा हथाला त्यत्वो त्यागो, 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 त्यागो उत्तिष्ठ परंतपा खड़े हो जाओ अर्जुन कभी कभी हम लोग लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं ना तो सोचो ये भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे मुझे बोल रहे जिस दिन ये गीता आपने ऐसे पढ़ी ना कि भगवान को अर्जुन को बोलने की जरूरत नहीं थी अर्जुन बुद्धि मानते हैं ये तो केवल उन्होंने एक स्टेज पे ड्रामा किया है अर्जुन के माध्यम से उन्होंने गीता तो केवल मुझे सुनानी थी yeah. भाई तुम हो तो परम तपा पर काम कैसा कर रहे हो भगवान अर्जुन को उसकी बेज्जती का और इज्जत का दोनों का एहसास दिला रहे हैं नपुंसक मत बनो और शूद्र हृदय की दुर्बलता की तरह काम मत करो क्षत्रियो का डर से कोई वास्ता नहीं होता क्योंकि वो वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता <प्राथ> भगवान मोटिवेट करने के लिए दोनों प्रोसेस अपना रहे हैं डांट भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं क्या बैलेंस है अमेजिंग अमेजिंग बैलेंस है एंड जो किया भगवान ने वो तारीफ से किया परंतपा लाइन जा खत्म हुई हो परमतपा पे हुई क्या पहले थोड़ा डांट लो पहले थोड़ा अच्छा नाम बोलो उनका फिर थोड़ा डांट लगा दो फिर थोड़ी तारीफ कर दो ये बड़ा स्टाइल है कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा आपको भगवान से किसी को कुछ कहना हो तो सैंडविच अप्रोच सैंडविच अप्रोच क्या है हाथा के लाइफी ट्वेंटी फोर्टी पहले फोर्टी परसेंट उसकी तारीफ करो फिर ट्वेंटी परसेंट बता दो उसको हृदय दौरबल्यम तुम्हारा हृदय दुर्बल हो रखा है समय और फिर फोर्टी परसेंट लास्ट में हो तो तुम परंत पहा <laughs> भगवान क्या इंटेलिजेंट व्यक्ति है कैसे बात करते हैं इंटेलिजेंटली इमेजिन करिए भगवत गीता से बढ़िया ग्रंथ नहीं कोई अगर जीवन भर एक ही किताब पढ़ने हो तो वो एक ही किताब है ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता तो देखिए आगे क्या कहते हैं देखिए कैसे प्लेटफॉर्म को चेंज किया अगर तो हाथ नहीं चलाइए प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये, ये मैसलॉस की हैरार्की जो थी ना वो तो अभी रिसेंटली आई है ये भगवान ने शास्त्रों में मैसलॉस की हैरारकी आज से पांच हजार साल पहले दे दी थी इसलिए बोलता हूं जितना मैनेजमेंट प्रिंसिपल है दुनिया का वो सब गीता से ही निकला हुआ कहीं ना कहीं और यह अन्नमय एकदम नीचे का लेवल प्राणमय में, अन्नमय में, यह क्या होता है यह होता है फूड शेल्टर क्लोदिंग उसको प्रोटेक्ट करना वो जो अर्जुन बात कर रहे थे राजसुख लोभेना यह है अन्न में, प्राण में, आ? ये अन्नमय प्राणमय फिजियोलॉजिकल नीड्स उसके ऊपर क्या होता है प्राणमय सेफ्टी की नीड्स वो कौन सी होती है हेल्थ पर्सनल सिक्योरिटी मनी वो थोड़ा और ऊपर हुआ राज सुख ना ये नीचे के तो अर्जुन वहां नीचे लड़ रहे थे ए, ये नहीं चाहिए इसके चक्कर में नहीं उसके चक्कर में इसके ऊपर होता है मनोमय मनोमय कौन सा होता है लव बिलोंगिंगनेस फीलिंग टुगेदरनेस रिलेशन एंजॉयमेंट कनेक्शन म्यूजिक ये मनोमय जहां मन खुश होने लगता है जब मन बहुत खुश होता है ना तो भूख प्यास नहीं लगती आई यू विद मी यस नो जब रिश्तों में मन खुश होता है तो पैसे का लालच नहीं आता बुढ़ी यस नो यानी कि ऊपर उठ गए उठ गए नहीं उठ गए ऊपर yes. अन्नमय प्राण में फिर मनोमय वो ऊपर यही तो मैसलोस ने सिखाया शास्त्रों में बहुत साल पहले बता दिया गया था यही बात पर उससे और ऊपर होता विज्ञान में वो होता है इंटेलेक्टिशन विज्ञान में क्या है है नॉलेज इंटेलेक्चुअल ए है जैसे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम 18 18 घंटे काम करते उनको भूख नहीं लगती हाथा के लाइ और ऊपर हो गए और ऊपर हो गए किसी ने पूछा उनसे कलाम साहब आपने शादी क्यों नहीं करी ओ तो मेरे को याद ही नहीं रहा हाथा के लाइए और ऊपर हो गए क्या मेरी बात समझ आ रही है yes, ये लेवल्स हैं नीड के जरूरतों के लेवल्स हैं जो विज्ञान में पे होगा इसीलिए आपने देखा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ओरिजिनल रियल साइंटिस्ट होते हैं अजीबो गरीब बाल अजीबो गरीब हालत होती है थोड़ा अलग से लगते हैं आम आदमी उन्हें बोलता है पगलेट लेकिन वह वो आपसे ऊपर जा चुके हैं वो इन सब नीचे के सुखों से बहुत ऊपर आ गए क्या मेरी बात समझ आ रही है yes, और उसके ऊपर है आनंदमय ये सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन जो मैसलॉ सिखाते हैं अपनी हेरकी में रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम ब्लेस सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन ये सबसे ऊपर का है तो अर्जुन नीचे की बात कर रहे थे राज सुख लोभ है ना भगवान ऊपर की बात कर रहे थे सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन ये है गेम सारा कैसे एकदम प्लेटफॉर्म बदल दिया भगवान ने क्या मेरी बात समझ आ रही है इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं चाहता हूं कि हर इंसान ये वचन ले भगवद गीता का ये वीडियो दुनिया का कोई देखे ना देखे हर एपिसोड पूरा देखना चाहिए वुड यू विद मी यस नो कैसे भगवान ने चेंज किया पूरा मानसिकता कहने को तो बोल रहे परम तपा बड़ा स्टाइल से बात करते हैं तो सम्मान से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं याद रखना भगवान ने भी क्या किया भगवान का रूल है कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स अर्जुन गलती भी कर रहा है लेकिन उसकी राइट थिंग भी बता रहे हैं

अरे कमाल कर दिया जिस दिन ये मान सकता होगी माइंड चेंज हो गया शिफ्ट हो गया अब आपने उसको पकड़ा अरे आप जबरदस्त काम किया उसको लगा तारीफ मिली तो अगली बार वो अपने आप फिर से वही काम करेगा अयोविद में यह सुना तो वही है ना मुद्दा जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार उसी व्यवहार को दोहराएगा yes. बार बार तो भगवान भी यही कर रहे हैं भगवान उसको परम बोल रहे हैं अर्जुन को भी लग रहा है बात सही है मैं हूं तो परम तो भगवान ने उस व्यवहार पे दिया पुरस्कार अर्जुन अब उसी को थोड़ी देर में दोहराएगा बार, बार बार ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा तो भगवान बड़ा इंटेलिजेंटली बात करते हैं इसलिए मैंने तो सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहीं से सीखे एक कॉलेज में एमबीए किया था वो किसी काम की नहीं थी मेरी किसी को मालूम वो कॉलेज का नाम तो बोल मत देना हा? तो मेरी एम गुरुकुल में हुई थी वो रियल एम थी ए वो एम का नाम है मोस्ट ब्यूटिफुल एसोसिएशन भी है तो सम्मान जो है वो व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास भर सकता है, इतना आत्मविश्वास भर सकता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए ये है श्लोक कि भगवान ने स्टार्टिंग कैसे किया अर्जुन को अपमान भी समझा दिया सम्मान भी समझा दिया दानवीर कर्ण कर्ण एक सूत पुत्र थे अंगराज कर्ण लेकिन थे कौन वो माता कुंती के पुत्र थे पांडव पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई थे पर जीवन में उनको कभी भी हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना पड़ा कर्ण को कर्ण को जीवन में कोई सुख नहीं मिला कर्ण को हमेशा तकलीफ रही उसकी हमेशा बदनामी बेजती हुई और हुआ क्या पहला आदमी जिसने उसको इज्जत दी वो था दुर्योधन और दुर्योधन ने इज्जत दी सम्मान दिया तो अपने भाइयों की सगे भाइयों की हत्या करने को भी कर्ण तैयार हो गया यह होता है सम्मान से जनरेट किया हुआ मोटिवेशन यह सम्मान की ताकत 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने युद्ध छेड़ा महारानी लक्ष्मीबाई क्या ताकतवर खूब लड़ी मर्दानी तो तो महारानी लक्ष्मीबाई बंदा नवाब अली बहादुर ये जो बंदा नवाब अली बहादुर थे फंस चुकी थी महारानी लक्ष्मीबाई उनको एक सम्मान की चिट्ठी और एक राखी डालकर के भेजी अब मुसलमान बंदा नवाब अली बहादुर लेकिन सम्मान जब उनको दिया उनकी बहन माना अपने आप को और उनको अपना भाई माना तो उसकी आंख में आंसू आ गए और वही शासक उठा खड़ा हुआ बोला ये अंग्रेजों को हमारे देश में आके बंटवारा नहीं करने देंगे हिंदू मुस्लिम बाद की बात है पहले मेरा देश है इस देश को बचाने के लिए और मेरी बहन महारानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए तुरंत उसी रात को दस हजार लोगों की सेना लेकर के जंगल के रास्ते यही निकल पड़े और जाके महारानी लक्ष्मी बाई की मदद करी उन्होंने इसको बोलते हैं कि अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो वो अगर उसको जरूरत भी नहीं है तो भी आकर के आपके साथ में खड़ा हो जाएगा मी गाइस रानी कर्णावती ये कौन थी ये चित्तौड़ की रानी थी रानी कर्णावती और इनके पति का नाम था तो राणा सांगा राणा सांगा बहुत शक्तिशाली थे लेकिन उनके जो पुत्र थे महाराज विक्रमादित्य जिनको बाद में राज्यभिषेक किया गया वो उतने शक्तिशाली नहीं थे तो बहादुर शाह ने जाकर के राणा सांगा की मौत के बाद विक्रमादित्य पे अटैक कर दिया ताकि वो चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले सके और महारानी कर्णावती ने उस समय चिट्ठी मुगल शासक हुमायूं को लिख करके भेजी और उनको अपना भाई बनाया राखी भेजी चिट्ठी भेजी सम्मान भेजा हुमायूं को वो चिट्ठी मिली नहीं क्योंकि उस समय वो आगरा दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे उन्हें चिट्ठी लेट मिली जैसे ही चिट्ठी मिली पूरी सेना को उन्होंने तैयार किया और तुरंत चित्तौड़ निकल पड़े उनकी मदद करने के लिए लेकिन तब तक महारानी कर्णावती का जौहर हो चुका था इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शहनशाह हुमायूं आखिरी तक रोते रहे कि मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर इतने बुद्धिमान थे इतने बुद्धिमान थे लेकिन उनके साथ क्या हुआ ना उनको पानी पीने दिया जाता था उनको शूद्र माना जाता था उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया क्लासरूम में उनको बाहर बैठाया जाता था उनका बहुत बुरा हाल हुआ लेकिन अल्टीमेटली सयाजी राव गायकवाड़ महाराष्ट्र में उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मदद करी उनको स्पॉन्सर किया एजुकेशन कराया और बाद में हमारे राष्ट्रपति कोविंद ने भी ये बोला कि अगर सयाजी राय गायकवाड़ ने उनकी मदद नहीं की होती तो भीमराव अंबेडकर आज वो अंबेडकर नहीं होते जो वो हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी जिन्होंने जाकर के वो पीएचडी करी जो उनका जो स्कॉलरशिप था वो सब कुछ एक व्यक्ति के इंस्पायर मोटिवेट सपोर्ट करने के कारण हुआ वो कृष्ण ने सपोर्ट दिया अर्जुन को वो मोटिवेशन नीड्स दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सपोर्ट वुड यू 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 विद मी नो ऑल नीड समबडी कैन बस वही बात थी कि अर्जुन का डिसीजन था कि उन्होंने कृष्ण को साथ में लिया नारायणी सेना नहीं ली नारायणी सेना दुर्योधन ले गए ये कृष्ण यहां आ गए आइंस्टाइन जब छोटे थे ना तो बहुत मंदबुद्धि बालक थे उन्होंने चलना ही चार साल की उम्र में चलना बोलना शुरू किया था

बात तो ठीक कह है रहे हैं <laughs> आइंस्टाइन भी बोला बात ठीक इनको पता नहीं बड़ी लेट समझ आई मेरे को पढ़ाने लायक टीचर नहीं है वहां मां क्या चिंता करता है बेटा मैं घर में बर्तन मांजने जाती हूं दूसरों के सफाई करती हूं आने के बाद मैं, मैं तुझे पढ़ाऊंगी मैं पढ़ाऊंगी तू बहुत बुद्धिमान है माँ ने जिंदगी भर आइंस्टाइन को इतना इंकरेज किया उसका इतना मोटिवेशन आ गया वही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को किया परम तपा ऐसी माँ ने भी उनको बिलीफ बदल दिया पूरा

और तब उन्होंने पहली बार चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा एक मंदबुद्धि बालक है और वो इतना मंदबुद्धि है कि उसके कारण बाकी बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे इसलिए आपके बच्चे को हमें स्कूल से टर्मिनेट करना पड़ेगा और माँ ने उसके विपरीत क्या बोला परम माँ ने उत्साह बढ़ाया और वो वही माँ के कारण आज आइंस्टाइन के बारे में आज हम चर्चा कर पा रहे हैं सो so, इमेजिन करिए कि इमेजिन करिए कॉन्वर्जेशन कैसी होनी चाहिए और जैसे अर्जुन के जीवन में कृष्ण थे ऐसे ही हम सबके जीवन में भी एक कृष्ण होने चाहिए मैं भी जीवन में कुछ खास नहीं कर पाया इनफैक्ट मेरे स्कूल में मैं तो कॉमर्स विद मैथमेटिक्स में था तो पी सी एम विद इंजीनियरिंग ड्रॉइंग वहाँ पर जिसको सेक्शन सी बोलते थे हमारे यहाँ स्कूल में वहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे शर्मा जी और वो क्लास में बच्चों के सामने बोलते थे कि अगर विवेक बिंद्रा जिंदगी में कुछ बन गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और साइंस के बच्चे मुझे कॉमर्स में आके बोलते देख कैसा बोल रहे तेरे बारे में और कुछ समय पहले वही टीचर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरे बेटे को आप अपने यहाँ जॉब पे रख सकते हो आगा। आगा। तो आपको टीचर जैसे नहीं चाहिए आपको टीचर्स वो नहीं चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करें आपको वो लोग चाहिए जीवन में जो आपको इंस्पायर करें मेरे जीवन में परिवर्तन तब आया जब मेरे को गुरुकुल में शेल्टर मिला और वहाँ पे मुझे भोजन भी मिला प्रसाद भी मिला शास्त्र भी मिले और शिक्षा भी मिली और वहाँ से जीवन में परिवर्तन आया अगर वो मुझे नहीं मिलता तो शायद आज मैं वो नहीं ये नहीं होता या और रोज़ आखिर जो मेरी गलतियाँ होती हैं वो मेरी जिम्मेदारी है और जो भी मैं अच्छा कर रहा हूँ वो मुझे गुरुकुल की शिक्षा के कारण मिला है तो ये भगवत गीता का हमने आज दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक हमने यहाँ चर्चा किया अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भगवत गीता यू टर्न लेगी दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को पूरा देखिए इन वीडियोस को जरूर देखिए और जिंदगी में एक भी एपिसोड मत मिस करिए क्या आप ईमानदारी से अग्री करेंगे लाउडली यस नो ग्रंथ राजमद भगवद गीता की धन्यवाद थैंक यू वेरी मच